नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्ड एंड साइंटिस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक WD का 500 GB हार्ड ड्राइव है। ये ब्लू मॉडल है WD का। तो ये एक्चुअली में आया है रिकवरी करने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा इसको रिपेयर करके उनके हाथ में देने की, ताकि उनका बहुत सारा पैसा बच जाए। तो मेरा कोशिश रहेगा हमेशा कि लोगों का भलाई हो, अच्छा हो, वही होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दिया और कस्टमर को भी बता दिया कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिपेयर दिस, क्योंकि इसको अगर मैं रिपेयर कर दूंगा तो बंदे का बहुत सारा पैसा बच जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो रिकवरी सेंटर में भेजेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे जितना भी स्क्रू है उसको खोल लेंगे, और खोलते खोलते मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या इशू है। ये थोड़ा सा घूम के इसके अंदर जो स्पिंडल मोटर है BLDC, वो थोड़ा सा घूम के और फिर घूमना बंद हो रहा है, ठीक है। और डिटेक्ट भी वहां पे नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं होता है और कैसे नहीं होता है और कौन सा टाइम में पॉसिबल होगा रिपेयर करना, और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी कम है तो रिपेयरिंग ना करके इसको रिकवरी करना कब पड़ेगा, मतलब कब डिसाइड करना होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैं लगभग सभी स्क्रू निकाल दिए, और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सबसे पहले एक वार्निंग दे देता हूं कि आप कभी भी इस साइड का जो हिस्सा है, यहाँ पे जितना भी स्क्रू है, मत खोलिए, क्योंकि इसके अंदर का जो डिस्क आप बाहर खोल देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड को खोल सकते हैं, मैं भी इतना ही कर सकता हूं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता मैं भी। तो देखिए, यहाँ पे एक कवर है जो कि इंसुलेटेड है, एक साइड में प्लास्टिक है और दूसरी साइड में फोम है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 3 IC आपको दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्या IC है। तो ये जो आप IC देख रहे हैं, ये इसको RAM बोलते हैं, और ये मेन प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है ये। और ये जो आप देख पा रहे हैं U12, ये इसका BIOS, मतलब इसके अंदर फर्मवेयर लोडेड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर देखेंगे, ये जो है आप ये देख पा रहे हैं, ये IC, ये जो है मोटर कंट्रोलर है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये है आपका मोटर कंट्रोलर। इसके जरिए ये BLDC मोटर का जो 4 पिन है, इसमें सप्लाई मिलता है और वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ इशू होता है जो कि पॉसिबल है, जैसे कि मोटर कंट्रोलर बर्न हो गया तो ऊपर से दिखेगा एकदम व्हाइट सा दिखेगा, कोई एक साइड में पूरा बर्न हो चुका है वो दिखेगा। तो आप उस टाइम नंबर देख के, नहीं तो सेम बोर्ड, अगर ऐसे सेम हार्ड ड्राइव आपको ढूंढना पड़ेगा, उससे निकाल के, जो खराब हार्ड ड्राइव होगा उसको निकाल के यहाँ पे लगाना होगा, जैसे बहुत सारा वीडियो में आप लोगों ने देखा है। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो जाके पुराना वीडियो देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट ऐड करने की कोशिश करूंगा, और दूसरा भी हार्ड ड्राइव और SSD रिपेयरिंग का वीडियो भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, अभी यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट अगर होता तो ये एक बार भी स्पिन नहीं करता, लेकिन ये स्पिन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब जो है ये यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। और ये जो रैम IC है, ये भी अगर खराब हो जाएगा या तो भी ड्राई हो जाएगा, कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा इस CPU के थ्रू, तो भी इसका डाटा प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये डाटा का लाइन है और यहाँ पे जो है पावर का लाइन है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का लाइन आप देने से भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑफ रहता है। ये छोटा हार्ड ड्राइव जो है सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट इसमें इंजेक्ट होता है, तो वही 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाता है और बूस्ट होके यहाँ पे मोटर को चलाने की सप्लाई बनाते हैं। और अब आते हैं, देखिए ये CPU जो है, ये CPU को चलने के लिए पावर चाहिए, और वो पावर क्या है, मेन सप्लाई जो है VTT वगैरह, VCC वगैरह, इसको चाहिए। तो वो यहां पे मिलने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले बनाएगा इसका क्लॉक। ये जो है ये इसका जो क्लॉक IC आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये क्लॉक। तो क्लॉक एक्चुअली में क्या करते हैं, आप लोग तो नहीं देखते, मॉडर्न मैंने वीडियो बनाया था क्लॉक के बारे में, कुछ प्राइवेट कर दिया मैंने बाद में। अगर आप लोगों को क्लॉक के बारे में क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि क्लॉक के बारे में एक बार वीडियो बनाइए। तो क्लॉक जो है ये डाटा को मतलब लेके चलता है, डाटा अकेला नहीं चलता है, मतलब वो लूला लंगड़ा टाइप का है। तो डाटा को लेके जाने के लिए कुछ गाड़ी की आवश्यकता है, या तो फिर किसी की आवश्यकता है, तो वो किसी की जो बात करे वो ये क्लॉक है। तो ये क्लॉक जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उसके जरिए डाटा कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब स्टार्ट होता है उसके बाद सबसे पहला
आपका मेन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होता है, उसके बाद सीपीयू और रैम कम्युनिकेट करने लगता है अच्छे से, उसके बाद क्या होता है आपका मोटर कंट्रोलर में भी कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो इसके जरिए क्या होता है, ये पूरा बोर्ड जो है चालू हो जाता है और उस अंदर जो है मोटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोस चिप लगा हुआ है, इसके साथ भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और जो जिस टाइप से इसमें प्रोग्राम दिया गया है उस टाइप से ये हार्ड ड्राइव काम करना स्टार्ट करता है और यहाँ से डाटा रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत हो गया बकबक, और अभी हम चेक करेंगे कहीं पे छोटा सा भी कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट करूंगा, ओके। और देखिए मैं आपको सबसे पहला एक चीज और दिखा देता हूं, देखिए इस एरिया में पूरा जंग लगा हुआ है। कभी कभी होता है कि इसको सोल्डर करने से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा जंग नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से भी दिक्कत हो सकता है या तो फिर क्लॉक से भी हो सकता है। आइडिया नहीं है, अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, आई डोंट नो, ठीक है। और कहीं पे कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है या तो फिर कोई रजिस्टर ब्रेकडाउन हो चुका है। रजिस्टर ब्रेकडाउन होता है जैसे कि मान के चलिए वोल्टेज डिवाइडर है, दो रजिस्टर लगा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, और वोल्टेज डिवाइडर का भी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो ये मान के चलिए एक रजिस्टर है, यहाँ पे वीसीसी आपने वोल्टेज दिए कुछ, और ये दोनों एक साथ लगा हुआ है और इस साइड में ग्राउंड है, तो यहां से जो वोल्टेज निकलेगा उसके लिए कैलकुलेशन है, मतलब वो उसका एक मेथड है। तो मान के चलिए ऊपर का हिस्सा उड़ गया तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, या तो भी नीचे का हिस्सा उड़ गया तो यहाँ पे जितना वोल्टेज आप दिए हैं उतना यहां से निकल जाएगा, तो आपका डिवाइडर तब काम नहीं करेगा। तो डिवाइडर के बारे में भी अगर वीडियो चाहिए शॉर्ट्स में या फुल में तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं डिवाइडर का भी वीडियो बना दूंगा दोबारा अच्छे से, ठीक है। तो वो सब जो है बारीकी से आपको टेस्ट करना है। और डिवाइडर होने की चांसेस कहां कहां रहता है आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये डिवाइडर है, तो एक रजिस्टर का हिस्सा दूसरे रजिस्टर की साइड में लगा रहेगा, इससे आपको पता चलेगा, और कोई ना कोई एक रजिस्टर का एक हिस्सा जरूर ग्राउंड होगा। ये बात जो मैंने बताया आप इसको याद करके रखिएगा, आपको ये भूलना नहीं है, क्योंकि देखिए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको भी लगता है वोल्टेज डिवाइडर क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए मैं सस्पेक्ट करता हूं कौन सा वोल्टेज डिवाइडर हो सकता है, तो यहां पे काफी सारा रजिस्टर मुझे दिखने को मिला है, तो यहां पे मैं चेक करूंगा तो पता लग जाएगा कि कौन सा रजिस्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ है, पहला जो रजिस्टर है मैं ड्रॉइंग करके भी बताऊंगा, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा लाइट की कमी हो रहा है तो मैं लाइट थोड़ा जला देता हूं, ये कम करना होगा, हाँ। देखिए यहां पे एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, तो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हुआ है, तो दूसरा एक कोई ना कोई एक हिस्सा होगा जो कि ग्राउंड होगा दोनों में से, इसमें कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो अभी देख लेते कंफर्म कर लेते ये ग्राउंड है कि नहीं, ना ये ग्राउंड नहीं है, ये फॉल्स है, तो हमें कंफर्म करना होगा ग्राउंड कौन सा है, मतलब कोई भी एक पॉइंट से ग्राउंड हमें कंफर्म करना होगा, तो यहां से कंफर्म कर सकते हैं आप, देख लेते हैं, ये शायद डिस्कनेक्टेड होगा, नहीं ये ग्राउंड है क्योंकि ये बॉडी के साथ आ रहा है यहां पे देख सकते हैं, तो ये ग्राउंड है, ये बॉडी भी ग्राउंड है, ये वाला जो है फॉल्स है। तो मैं अब रजिस्टर को चेक करूंगा, हाँ ये पहला दो रजिस्टर जो है ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर है, और मैं दूसरा भी चेक करूंगा, और यहां पे एक दूसरे के साथ और जो चार रजिस्टर आप देख पा रहे हैं ये दोनों भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ऐसे जुड़ा हुआ है, तो कंफर्म करते हैं कि इसमें से कोई ग्राउंड है कि नहीं, ना ये नहीं है, तो पहला वाला जो है डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर होगा ये, और इस साइड में भी है तो यहां पे भी कंफर्म कर लेते हैं, रजिस्टर ब्लैक कलर का रजिस्टर है
आप वीडियो को अच्छा क्वालिटी करके देखिएगा, 4K में या तो फिर मिनिमम 1080 में रख के देखिएगा, नहीं तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे डिवाइडर नहीं मिला है, यहाँ पे खाली एक ही डिवाइडर मिला है जिसके लिए दो रजिस्टर है। पहला वाला दो रजिस्टर, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों रजिस्टर, ये दोनों, ठीक है। तो अगर आपका डिवाइडर का रजिस्टर सही है तो भी आप इसको सोल्डर कीजिएगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, चाहे वो SSD हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों ना हो। क्योंकि डिवाइडर में क्या होता है, वो हाई वैल्यू का जब रजिस्टर रहता है और ड्राई होने से भी वो लो एम्पेयर प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ अगर कोई कैपेसिटर भी कनेक्टेड है तो आपको उसको चेक करना ही है। उसके लिए क्या चाहिए, आपको एलसीआर मीटर चाहिए। और अगर आप एलसीआर मीटर के बारे में नहीं जानते हैं तो जाके देखिए, मेरे चैनल में है वीडियो, हजारों वीडियो पड़े हैं आप लोगों के लिए बना के रखे है, और सालों से मैं बना के रखता हूँ आप लोगों के लिए, अभी भी बना रहा हूँ और इतना मेहनत से बना रहा हूँ तो भी आप लोग क्या कर रहे हैं। सो गाइज फॉरगेट दैट। तो अभी यहां पे मैं सोल्डरिंग करूंगा और यहां पे भी सोल्डरिंग करूंगा, तो बने रहे साथ में। और यहां पे टेम्परेचर जो है आपको 380 के करीब रखना है, 380-385 में रख दीजिएगा। T12 बेक्स इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे चल जाएगा, उसमें टेम्परेचर सेट करने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लक्स आप देख पा रहे इसका नाम है एमटेक, मैं आपको दिखा देता हूं, ये एमटेक फ्लक्स, इसको थोड़ा सा यहां लगा देंगे और यहां पे भी लगा देंगे। अब जब रजिस्टर आप सोल्डरिंग करेंगे तो बी केयरफुल, क्योंकि आप अगर छोटा सा भी गलती करेंगे रजिस्टर गायब हो जाएगा, तो उससे अच्छा सबसे पहले इसका जो है वैल्यू चेक कर लीजिए। मैं तो वैल्यू चेक करूंगा उसके आगे सोल्डरिंग कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहला जो है मेन कनेक्टर, डाटा कनेक्शन का जो पॉइंट है इसको हम कर लेते हैं। और देखिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हिला दिया यहां पे, तो इसके लिए ये बॉडी पे भी आ गया, तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। अब हम इसको बिल्कुल क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, डिसोल्डरिंग विक सस्ता वाला जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, वही 5-6 रुपए का, ये भी काम करता है, और भी 150 रुपए का भी काम करता है, 200 रुपए भी काम करता है, तो हम इसका क्यों नहीं करें, है ना। आयरन अगर आपका बढ़िया है तो सस्ता वाला चीज में भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका सोल्डर वायर जो है महंगा होना चाहिए, मतलब अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, झूठ मूठ का महंगा बोल के मतलब कि 2 रुपए का माल 200 रुपए में खरीदना, जैसे गोविंदा का एक मूवी था वैसे नहीं है, समझे। तो अभी क्लीन हो चुका है और मैं जब इसको और क्लीन करूंगा तो और ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा, मैं कर देता हूं। ये देखिए, देखा कितना एकदम चांदनी बना रहा, चांदनी चांदनी चांदी चांदी। अब हम यहां पे सोल्डरिंग करेंगे, बी केयरफुल। अब टेम्परेचर को 350-60 के करीब रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती आप करेंगे और रजिस्टर भाग जाएगा तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। और थोड़ा सा हल्का सा टच, प्यारा सा टच यहां पे दीजिए, और मैं आपको नजदीक से भी दिखाऊंगा क्लीन करने से पहले। तो देख लीजिए एक बार, देखा हल्का सा टच दिए हमने, और अभी रजिस्टर का वैल्यू चेक करने की बारी है
तो चलिए एक बार क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ के इसकी पीछे की साइड में भी फ्लक्स आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर लिया। और ये डिवाइडर पॉइंट पे भी इसको मैं क्लीन कर लिया। थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा इसको। तो देखिए पूरा हमने क्लीन कर दिया। अब जो बताए थे रजिस्टर चेक करेंगे, तो मैं रजिस्टर मोड सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर दोनों रजिस्टर सही है कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। जीरो पॉइंट नाइन ओम्स दिखा रहे हैं। और ये हो गया 10K, 9.87। एक्चुअली में ये 10K है सेकंड वाला, लेकिन उधर का शायद हो सकता है दूसरी जगह पर टच हो रहा था इसीलिए ऐसा हो रहा है। 0.9 मतलब शॉर्ट दिखा रहे हैं। सोल्डरिंग करते समय किसी के साथ अगर टच भी हो जाए तो ऐसा हो जाता है। अगर ये 0.1 ओम्स मतलब ये 0 ओम्स का है तो ये तब ये डिवाइडर नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूं। तो ये डिवाइडर नहीं है, खाली फुकट हमने उसमें ध्यान लगा दिया, क्योंकि इसका स्कीमेटिक है नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब जो है क्रिस्टल की साइड में देखना होगा, अगर दिक्कत लगे तो थोड़ा बहुत इसको हिला दीजिएगा फ्लक्स देके, हीट देके। ठीक है, तो मैं इसको अब लगाऊंगा, लगा के चेक करूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूं, और अगर नहीं होगा तो दूसरा काम करेंगे। एक एक करके सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि एक सेकंड, सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ किस तरीके से था। मैंने खोला और मैंने भूल गया, इस तरीके से था। अगर चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, एक कहावत है। और ये अगर इस तरीके से ठीक भी हो जाता है तो कंजूसी मत कीजिए आप लोग, क्योंकि वो डाटा फिर से गायब हो जाएगा और हार्ड ड्राइव फिर से खराब हो जाएगा, उसका गारंटी मैं देता हूं। कभी कभी चल जाता है गलती से, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है नहीं चलता। तो बी केयरफुल, अगर इस तरीके से ठीक हो भी गया और किसी ने ठीक भी कर दिया, मैं भी अगर ठीक कर दिया, तो आप जरूर दूसरा हार्ड ड्राइव में आपका डाटा कॉपी कर लीजिए। और कभी कभी होता है कि इस टाइप का हार्ड ड्राइव जब हम रिपेयर करते हैं पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज चेक करना पड़ता है कभी कभी, हर एक कंपोनेंट को।
तो इसको तो हमने लगा लिए, अभी क्या करना होगा, कोई एक लैपटॉप पे लगाना होगा, नहीं तो कोई भी एक केसिंग पे लगा के लैपटॉप पे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए मैं केसिंग पे लगा के देखूंगा, आप एक बार सीरियल नंबर देख लीजिए ताकि आपको पता लगे, अगर हो भी गया है तो पता लगे कि हाँ यही चीज है, यही हार्ड ड्राइव है। तो चलिए मैं लेके जाता हूँ दूसरे रूम पे। तो देखिए मैं आ चुका हूँ, मेरा लैपटॉप भी चालू कर दिया और ये फिर से हार्ड ड्राइव एक बार देख लीजिए। ओके, और अभी इसमें लगाऊंगा, ये केसिंग में डालने की जरूरत नहीं है। अभी आवाज आया तो ये गुड साइन है कि एक आवाज आया। ये देखिए अभी आ चुका है, देखिए लोकल डिस्क डी ऑटो प्ले यहां पे आपको दिख रहा होगा, वो फिर चले गए। देखिए फिर से आया, देख पा रहे, मैं यहां पे थोड़ा सा आईएसओ कम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। ई भी आया, तो एक बार मैं यहां पे देखूंगा, एक सेकेंड, देखिए ये एक ड्राइव आया है। मैं डाटा लोगों को नहीं दिखा सकता यहाँ पे, तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। देखिए सॉरी टू से दैट कि ये हिस्सा कैमरे में नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं दोबारा लगाया, देख लीजिए फिर से आवाज हुआ। देखिए आ चुका है, देख लीजिए, और मैं इसको खोलूंगा, देखिए फिर से हिल गया तो इसीलिए वो चले गए। तो मैं खोल के दोबारा लगाता हूं, देख लीजिए। देखा आ चुका है, तो मैं इसको खोल देता हूं और ये घूम भी रहा है आराम से। तो जिसका था ये भी बहुत खुश हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और यहां तक आप वीडियो देख लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पुराना वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच यहां तक रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।